अभी मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे का की पूजा की तैयारी कर रही है। पापा बैठे हैं। सीन ऐसा था, मम्मी ने कहा था 7:45 निकलेंगे यहाँ से हैं, और तैयार होते होते 7:15 बजा लिया। अब नीचे आ गए, अब चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। वो तो नू कह रही, मास्क लगा लो। आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। आज तारीख है 27 सितंबर और दिन है ट्यूसडे, और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 5:54। मैंने ब्लॉग आज दिन में स्टार्ट नहीं किया था, इस टाइम में शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि दिन में कुछ ऐसा सीन था, टाइम नहीं मिला किसी भी चीज से, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था, तो इस चक्कर में टाइम नहीं मिला। तो आज हमारा प्लान था, हमारे यहाँ पर काली माता का मंदिर है लालबाग में, वो काफी बड़ा मंदिर है, पूरे नौदुर्गों में एकदम मस्त तरीके से वहाँ पे डेकोरेशन होती है, पूजा होती है, मतलब एक काफी पीस वाली जगह है वो मंदिर, काफी जाना माना पहचाना और काफी बड़ा मंदिर है। तो आज वहाँ पर घूमने का प्लान था। तो अब जो है मम्मी खाना बना रही है, प्रसाद तैयार कर रही है, तो फिर उसको कम्प्लीट करके चलते हैं। कितनी लगेगी मम्मी प्रसाद में? बनने वाला है। क्या क्या बन रहा है? सब बन गया। क्या क्या बन रहा है? मैंने बनाए हैं आलू और भुर्जा बनाया और उसके चावल हैं, समा के चावल। अच्छा, कोयल यही खाएगी ज्यादा नहीं, और मैंने अपनी पत्नी ने साग बनाया दाल का। अच्छा अच्छा, तो दाल साग जो है वो साग जो है चने का साग है, वो बन चुका है। तो अब बस थोड़ा सा रह गया है प्रसाद, जो पकौड़ी है और आलू का भरता है वो प्रसाद का रह गया है थोड़ा, तो उसको कंप्लीट करके हम जाएंगे मंदिर और यहाँ से निकलेंगे। कब निकलेंगे हम यहाँ से? हम पौन घंटे लग जाएगा। अच्छा, टाइम बताओ। 7:45। अच्छा, तो हम यहाँ से निकलेंगे 7:45, तब तक मैं रेडी होता हूँ। आज मैं नहाया भी नहीं हूँ सच बताऊँ तो, आज टाइम ही नहीं मिला किसी काम से, नहाने का भी टाइम नहीं मिला। तो अब जा करके मैं नहाता हूँ, फिर नहा करके अपना तैयार होता हूँ, तैयार होकर के चलते हैं मंदिर में। मम्मी किस तरह से बना दिए, क्या क्या चीज है? ये क्या है मम्मी? ये है तमा के चावल। तमा के चावल ओके, और बाकी जिस चीजें का बाकी दिखाओ। ये रहा आलू का भरता, ग्रेवी वाला बनाया बड़ा, क्योंकि चावल के साथ ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है भरता। और ये बनाया मम्मी ने कुछ दाल साग है, ये दाल साग है, जीरा, ये छौंक लाया तो जीरा वगैरह सब ऊपर है, मिक्स किया ना, मिक्स मत करो बेटा। अब हो गया, सब रेडी है, बस कुछ चीजें रह गई हैं अभी भी, जस्ट लाइक पकौड़ी तो वो बननी है। तो फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर, और वहां पे आरती होती है रात को। कितनी होती है मम्मी आरती? 8 बजे होती है। 8 बजे, तो 8 बजे आरती होती है, यहाँ से हम निकलेंगे 7:45। तो आरती अटेंड करेंगे, ट्राई करेंगे आरती देखने को मिले हमें, तो फिर आरती भी देखेंगे। तो बस अब चलते हैं रेडी होने के लिए बिना किसी देरी के। कपड़ों की बड़ी गलत है, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। शर्ट समझ में आ रही तो पैंट उसके साथ समझ में नहीं आ रही है, पैंट समझ आ रही तो उसके साथ शर्ट समझ में नहीं आ रही। अब पता नहीं क्या पहनूं, मम्मी बताएंगे क्या। बता दो मैं क्या पहनूं। मैं निकालती हूँ, तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें नहीं पहनती है। ये कपड़े हैं, ये कर दिया तुमने कपड़ा। ये मेरा कवर्ड है, इसमें सारे कपड़े हैं मेरे। ये शर्ट है, ये थोड़ी देर के लिए पहनी थी पूजा के लिए, ऐसी पड़ी है ये, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से ऊपर वालों में से बताओ शर्ट कौन सी पहनूं, कौन सी निकालो। मेरे तो हाथ में पड़ गया। अरे छोटी बच्ची पड़ गए। चलो ये मैं टांग देता हूँ, मम्मी का हाथ नहीं पहुंच रहा तो मैं टांग देता हूँ। कपड़ों का क्या हाल कर दिया? ये रही शर्ट, ये शर्ट पहनेंगे शेरवानी, इसके साथ पैंट समझाओ ना, पैंट समझ में नहीं आ रही। ब्लैक इस पर अच्छी नहीं लगेगी, डार्क की शर्ट ही है। ये वाले दिखाना डाउन, ये देख पाऊ अच्छी लगेगी। हाँ ये ठीक लगेगी, उसको देखना। देखो ये, देखो ये बताओ ठीक है नहीं है। ये कौन सी है? ये नहीं, ये बहुत टाइट आती है। नहीं टाइट है मेरे बहुत। सीन ऐसा था, पहले मैं बहुत ही पतला था, 46 kg वेट था मेरा, मैंने जिम ज्वाइन किया तो वेट गेन हो गया, जितने कपड़े थे मेरे टाइट हो गए और जो नए थे वो भी ऑलमोस्ट टाइट हो गए, और भी जो हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा। सीन ऐसा है तो कंफ्यूज हूँ मैं, शर्ट समझ में आ रही तो पैंट समझ नहीं आ रही, पैंट समझ आया तो शर्ट समझ नहीं आ रही। ब्लैक अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि डार्क है ना ये शर्ट, एक बार दिखा दो ब्लैक वाली। ओके ये
ये फॉर्मल वाली पहनू, ये आती कैजुअल जो है, ये रही ये है तो शर्ट के नीचे। अब बताओ कौन सी पहनू से, अच्छी तो लग रही है वैसे ब्लैक, ब्लैक जमेगी इसके ऊपर, ब्लैक वाली अच्छी रहेगी वाली लगना वाली ठीक है। ये वाली ब्लैक है, फॉर्मल है, ये मेरे को बहुत पसंद है पैंट। ये भी फॉर्मल है बदामी वाली, ये भी बहुत पसंद है, वो थोड़ा कैजुअल ट्राउजर है तो वो अच्छी लग रही है उसके साथ, तो वही पहनते हैं, डिसाइड हो गया मेरा क्या पहनते हैं। चलो अब मैं नहाने जाता हूँ, फिर उसके बाद तैयार होते हैं फटाक से। मुझे इतनी जल्दी उठा के इन्होंने की तैयार हो जा ठीक है, मेरे को तैयार करा दिया और इनकी खुद की तैयारी है नहीं है और कह रहे हैं हम क्या पहने, हमारा समझ नहीं आ रहा, हमारा कुछ नहीं हुआ। हाँ बताओ, मेरे को तो चेंज उठा के बैठा दिया, कपड़े देखती हूँ। हाँ देखो ठीक है, ठीक है कपड़े रेडी है मम्मी के, बस डिसाइड करना क्या पहनना है। और तुम्हें पता बॉयज दो मिनट में रेडी हो जाते हैं, लेडीज का तो रहती है आधे पौन घंटे पहले, कहो तब जाकर के आधा घंटा लेट होती है। अच्छा अब देखते हैं कौन जल्दी तैयार होगा, मैं तैयार हूँगा पहले और कौन होगा। लेडीज को बदनाम करते ना, लेडीज बहुत देर से तैयार होती है, लेडीज को बदनाम करना है तो सच है, लेडीज देर से तैयार होती हैं। बाकी लेडीज अभी देखेंगे, हाँ तो बाकी लेडीज को देख ले तो क्या फर्क पड़ता, वो खुद ऐसी है ऐसी हो तो मैं लेट हो तैयार होते हो। तो देखो मैं रेडी हो गया हूँ 5 मिनट में, और ये देखो अब इनका मेकअप हो रहा है। कहा था मैंने तुमसे कि मैं पहले रेडी हो जाऊंगा। हाँ बताओ, मैंने बर्तन नहीं मांज के रख दिए, अब मैं रेडी हो रही। तो फिर चैलेंज क्यों दिया था कि देखते हैं कौन देखते हैं, नहीं तो फिर चैलेंज क्यों दिया था कि कौन पहले दे कुछ भी है, तैयार तो नहीं हुए ना, देखो कपड़े मैक्सी पहन रखी है अभी भी। अब मैं पूरा रात चिक तैयार हो गया हूँ, देखो है कि नहीं। मैं जीत गया हूँ अपना चैलेंज, ठीक है। मैंने बॉयज को नाक नहीं कटने दी, लड़की हो ये प्रूव हो गया फिर से कि लड़की जल्दी तैयार हो जाते हैं। पुरानी मानना ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है उल्टा होता है, तो सिर्फ मजाक के लिए था। और एक चीज और, कौन जीता मम्मी खुद बताओ, कौन जीता बताओ। अब मैं जीतूंगी, ऐसा थोड़ा रेस खत्म होने के बाद तुम जीतो तो उसे जीत कहते हैं उसे। मैं जीत गया, तो चलो अभी मैं जीत गया हूँ मतलब रेडी हो गया हूँ। तो अभी काकी गई है नीचे पूजा करने, तो पूजा करते हैं, अभी मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे काकी पूजा की तैयारी कर रही है। पापा बैठे हैं, पापा चलोगे मंदिर? नहीं तो पापा मंदिर नहीं आएंगे, हम तीनों ही चलते हैं। फिर पूजा कर रही है, बैटरी कम है 45%, तो मैं फोन को जरा चार्जिंग पे लगा दूं, बस मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे चार्ज होने में। टाइम हो रहा है 7:20, और अब चलते हैं निकलते हैं। अभी सीन ऐसा था, मम्मी ने कहा था 7:45 निकलेंगे यहाँ से हैं, और तैयार होते होते 7:15 लिया। अब बताओ कौन जीता है। पूजा वगैरह भी करी थी, पूजा करी थी ठीक है मानते हैं, लेकिन जो पूजा थी वो 6:30 खत्म हो गई थी, ठीक है। इन्हें तैयार होने में देर लगी थी, बात यह है असली। कौन जीता? मैं मम्मी कह रहे मैं जीती। सबको पता है कौन जीता है, लड़के जीतते हैं हमेशा इस चीज में कि कौन पहले रेडी हो जाता है, तो इस बार हम जीत गए। चलो अभी टाइम हो गया, चलते हैं, काफी लेट हो गया क्योंकि 8 बजे वहाँ पे होती है आरती, तो इतनी अब चलते हैं आरती अटेंड करते हैं। तो हम नीचे आ गए हैं और पापा तो जा नहीं रहे हैं, मैं मम्मी और काकी हम तीनों जा रहे हैं। और पैर पोतली थी, टांगे कौन इसको, हंस क्या रहे हो, कौन टांगेगा। चलो तो चलो अब चलते हैं। तो अभी पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:30, 7:30 बजे पहुंच गए। अच्छा मंदिर के अंदर यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, जाते जाते दूर
चुका है। यहाँ पर देखो इस टाइम पर भीड़ नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन मेला होगा ना अष्टमी और नवमी का, उस दिन देखना यहाँ पर कितनी भीड़ होगी जब हम यहाँ आएंगे मंदिर अष्टमी और नवमी वाले दिन, देख लो एक बार। यहाँ पर हमको वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है, हमारा सीन ऐसा हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, तो बस दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती देखेंगे और वापस घर आ जाएंगे। और हम आएंगे अष्टमी वाले दिन, उस दिन दिखाएंगे आपको सब कुछ, एक एक मंदिर एक एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ से मम्मी प्रसाद ले रही हैं, तो अंदर चढ़ाएंगे मंदिर में। ये मंदिर का एंट्रेंस है, यहाँ एंटर हो। यहाँ सूट और चप्पल उतार देते हैं। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
और अभी टाइम हो रहा है 8:40 और आरती कंप्लीट हो गई है। पूरी आरती देखी एकदम मजा आ गया, एकदम पॉजिटिविटी फील हो रही थी। और अभी चलते हैं घर पे। और एक सीन हो गया था आरती के बीच में, एक छोटी बच्ची थी कम से 6-7 साल की, तो वो खो गई यहाँ पर, लेकिन जो भी था मिल गई, मम्मी को मिल गई थी, मम्मी ने दे दिया उसको। तो अब चलते हैं घर पे, अब ज़्यादा देर नहीं रुकते, यहाँ पे थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे, फिर उसके बाद चलते घर पर। पीछे देखो मंदिर है हमारे, इतना मस्त है। और इस साइड है रामगंगा, पूरा जितना भी ब्लैक पोर्शन दिख रहा है सब पूरी रामगंगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। तो अभी अंधेरा हो चुका है, रामगंगा तो दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं घर पे, डिनर करेंगे, फिर पूजा का जो प्रसाद है वो खाएंगे, ठीक है। अब बाहर आ गए, जूते पहनने, फिर चलते हैं घर पे। और ये देखो कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर, जहाँ से हम आए थे वो ये क्या। और ये यहाँ का बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा, इसका इतिहास मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलाऊंगा, जब 8वें और 9वें वाले दिन हम यहाँ पर आएंगे तो उसके बारे में आपको भी बताएंगे। यहाँ से करना है आपको रिक्शा और चलते हैं यहाँ से 5 मिनट। पहुंच चुके हैं घर पे, पापा ये रहे, मम्मी ये रही। मैं अपने जूते उतार ले रहा हूँ क्योंकि अंदर मंदिर लगा हुआ है, तो जूते बाहर उतार ले रहे, ठीक है। तो अब जा करके हमको करना है डिनर, और मम्मी जब पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया ना आरती में, सबसे ज्यादा मजा आया। आरती में लिटरली मजा आ गया, सीन ऐसा था बस क्या ही बताएं, कोई शब्द ही नहीं है, जो भी था मजा आ गया। तो अभी करते हैं चेंज, क्योंकि लग रही है बहुत तेज गर्मी घर में आकर के, और ज्यादा लग रही है, फॉर्मल कपड़ों में तो और ज्यादा लगती है। तो गाइस अभी कपड़े चेंज कर लिए हैं, हैंड वॉश कर लिया, अब रेडी है डिनर के लिए। तो मैं डिनर करता हूँ, ये रहे समा के चावल और आलू का भरता, मम्मी ने मिक्स करके दिया क्योंकि सीन ऐसा है मेरे को चावल में सब्जी मिलानी नहीं आती है, मम्मी से मिक्स कराता हूँ मैं। तो चलो अब डिनर करता हूँ खत्म। और ये पीछे स्क्विड गेम चल रही है, बस एंड चल रहा है इसका, लास्ट एपिसोड है, ऐड होने वाली है, वो आज ही खत्म हो जाएगा अभी खाना खाते खाते। तो डिनर हो गया, मंदिर गए थे, मंदिर में आकर आरती भी देख ली, आरती में सबसे ज्यादा मजा आया। और ऑनेस्टली बताऊं तो बचपन से लेके अब तक मैं इतना बड़ा हो गया, ठीक, लेकिन आज तक कभी उस मंदिर की मैंने नवरात्रों में आरती अटेंड नहीं की, लेकिन आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई, आरती अटेंड कर ली, खूब मजा आया। मतलब अंदर से एक फीलिंग आ रही थी जिसे कहते हैं ना, एकदम पीस वो मिल रही थी, और एकदम सुकून, एकदम रिलैक्स, एकदम मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कैसे समझाऊं, बस समझ लो तुम, जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में जो तुम चाहो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसके बाद जो तुम्हें लगता है, बस वही हुआ था मेरे साथ। बस चलो अब ब्लॉग में और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी काफी लंबा हो गया, ब्लॉग में ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।